Hi everyone, I am Madhuri and welcome back. I hope you all are doing well. So guys, in today's video, I'm gonna be share with you my reviews on MyGlam's Manish Malhotra Skin Awakening Foundation, which is this one. So ये इस तरह से outer packaging में आता है. इसमें उन्होंने 15 shades को launch करा है, जिसमें से दो shades मैंने खरीदे हैं. So आपको मैं एक trick भी बताऊंगी, जिससे आप find out कर पाओगे अपने लिए एक perfect foundation. So guys, I hope आपको ये video पसंद आएगा and आप लोगों के लिए helpful होगा. So अगर आपको ये video जरा भी पसंद आए एंड अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरीके की रिव्यूज लाती रहती हूँ अपने चैनल पर. मैंने MyGlam से काफी सारे वीडियोस शेयर करे हैं, अगर आपने वो मिस कर दिए हो तो आपको MyGlam का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप सारे वीडियोज को चेकआउट कर सकते हो. सो गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी पैकेजिंग शेयर कर लेती हूँ. ये इस तरह से आउटर पैकेजिंग में आता है, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. आपको ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग मिलती है एंड लग्जूरियस पैकेजिंग है. इनकी ये स्टैंडर्ड पैकेजिंग है, हर किसी प्रोडक्ट में इसी तरीके से पैकेजिंग आती है. नाउ इस पर पीछे आपको सारा कुछ मेंशन हो जाएगा कि इसका प्राइस कितना है, शेल्फ लाइफ कितनी है. सो इसका जो MRP है वो है 999, विच मीन्स आपको 1000 रुपीज का ये फाउंडेशन मिलता है एंड इसमें आपको 34 ग्राम्स की क्वांटिटी मिलती है. इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स एंड दिस इज मिनरल ऑयल फ्री, एल्कोहल फ्री, SLS फ्री, फ्लेट एंड पैराबिन फ्री, ये सारा कुछ इसमें मेंशन करा हुआ है एंड ऑल्सो इट इज क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन. सो अगर आप वीगन हो तो आपके भी काम में आएगा ये फाउंडेशन. ना आपको इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलती है, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पर आपको मनीष मल्होत्रा मेंशन हो जाएगा, काफी लग्जूरियस सी पैकेजिंग है. पीछे आपको सारा कुछ मेंशन हो जाता है, इसका प्राइस कितना है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, क्वांटिटी कितनी है. इफ इन केस आपका आउटर पैकेजिंग गुम हो जाता है तो आपको इस पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है. नाउ इसकी जो बॉटल है आपको पंप बॉटल देखने के लिए मिलती है. इसमें मैंने दो शेड्स लिए हैं, फर्स्ट वन इज वॉर्म आइवरी एंड सेकेंड इज नेचुरल वनीला. वैसे इन्होंने 15 शेड्स को लॉन्च करा है, बट ये दोनों शेड्स आप देख सकते हो एक्सेक्ट सिमिलर ही लग रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो ज्यादा चेक नहीं होता है. दोनों फाउंडेशन मैं आपको साइड बाय साइड अप्लाई करके दिखाऊंगी एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है. सो आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट में भी दिख जाएगा. नाउ अभी हम इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर है डेमी मैट फिनिश बोल सकते हो आप, मैट फिनिश में जाता है. सो मेरी ड्राई स्किन है बट मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये ड्यूई फिनिश भी देता है, साथ साथ में मैट भी हो जाता है एंड अगर आप अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो तो ये फिंगर्स से भी ब्लेंड हो जाता है, बट आपको इसको जल्दी जल्दी ब्लेंड करना होता है क्योंकि ये मैट फिनिश में है एंड ये मीडियम टू हाई कवरेज देता है आपको. आपको इसको बिल्ड करना होगा तभी आपको हाई कवरेज मिलेगा. एक बार अप्लाई करने पर आपको अच्छा खासा कवरेज नहीं मिलता है, 2-3 बार अप्लाई करोगे तो आपको हाई कवरेज मिलेगा, बट मुझे इसका कवरेज काफी ज्यादा पसंद आया है क्योंकि मुझे हाई कवरेज फाउंडेशन पसंद नहीं है. सो ओवरऑल ये फाउंडेशन मुझे काफी अच्छा लगा है एंड ये ऑयली स्किन वालों को भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए ये मैट फिनिश में है तो आपको ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है एंड आपको स्वेट भी क्रिएट नहीं होगा इस फाउंडेशन एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी है. आप इसको काफी लॉन्ग वेयर में यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा ड्यूई फिनिश देता है ये आपको एंड मुझे इसका जो टेक्सचर है ना वो काफी अच्छा लगा है. इवन इनके सिरम फाउंडेशन, जो MyGlam के सिरम फाउंडेशन लॉन्च हुआ है ना, उससे काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है ये फाउंडेशन एंड आपको ऑफर पर और भी ज्यादा सस्ता मिल जाता है. सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करी. सो अभी आप इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट देख सकते हैं. ओके गाइस, सो मैंने अपने फेस पर अच्छे से मॉइस्चराइजर यूज कर लिया है एंड मैंने उसके बाद प्राइमर अप्लाई करा है. साइड बाई साइड मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी एंड हम ये चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट शेड है मेरे लिए. ओके, सो इस साइड मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ नेचुरल वनीला. सो ये इतना परफेक्ट नहीं है मेरी स्किन टोन से भी. सो जब ये मेरे पास आया था तब मैंने इसका हैंड स्वॉच करा था, सो मेरे हैंड से ये शेड मैच कर रहा था बट अभी स्किन से मेरे मैच नहीं कर रहा. सो अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है तो आपको नेचुरल वनीला शेड कुछ इस तरह का दिखेगा. ये है वॉर्म आइवरी शेड. सो दिस इज नेचुरल वेनीला एंड दिस इज वॉर्म आइवरी. दोनों ही शेड मेरे स्किन टोन से परफेक्ट मैच नहीं कर रहे, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे. सो गाइस, मैं आपके साथ यहाँ पर हैंड स्वॉचेस शेयर कर रही हूँ. सो दिस शेड इज नेचुरल वेनीला एंड दिस इज वॉर्म आइवरी. दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट वॉर्म आइवरी थोड़ा येलोइश अंडर टोन में है एंड नेचुरल वेनीला थोड़ा सा डस्की अंडर टोन में है, बट दोनों इक्वली लगते हैं लगाने पर फेस पे. एंड मैं यहाँ मिक्स एंड मैच करके टेस्ट कर रही थी कि क्या ये शेड मैच कर रहा है. इस साइड अप्लाई कर रही हूँ नेचुरल वेनीला. ब्रश से हाई कवरेज मिलता है, दैट्स व्हाई मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने ब्यूटी ब्लेंडर भी रखा हुआ है. इन केस मुझे इसका कवरेज अच्छा नहीं लगा तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी. गाइस, यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना भूल गई थी कि ये जो फाउंडेशन है बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है एंड आप इसको लॉन्ग वेयर में यूज कर सकते हो, ब्लैक नहीं पड़ता है. सो गाइस, यू कैन सी दैट
जो शेड है ना वो एकदम भी इम्परफेक्ट नहीं है कि बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। गाइस यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इन दोनों शेड्स के जो अंडरटोन्स हैं बस उसमें ही डिफरेंस है, बाकी अप्लाई करने के बाद दोनों इक्वली सेम लगते हैं। वॉर्म आइवरी येलो है एंड जो नेचुरल वेनिला है वो डस्की अंडरटोन में है। अभी मैं एक लेयर और अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस यू कैन सी दैट ये जो शेड है ना इतना भी ज़्यादा बेकार नहीं आया है मेरे लिए कि जो मेरा परफेक्ट शेड ना हो। मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि ब्लेंड करने के बाद इतना ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा है मुझे। एंड इसका कवरेज तो आप मेरे लिप्स से ही चेक कर सकते हो। ये जो शेड है ना ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है वॉर्म आइवरी। सो अगर आप मेरे स्किन टोन जैसे हो तो आप वॉर्म आइवरी को लेने से अवॉइड। सो गाइस मैंने फुल फेस मेकअप कर लिया है एंड आप देख सकते हो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है दोनों शेड्स में। दोनों इक्वली लग रहे हैं क्योंकि मैंने अच्छे खासे पाउडर से सेट कर लिया है। एंड आपने पहली बार मुझे इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगाए हुए देखा होगा। यूजुअली मैं अपने वीडियोज़ में इतना कोई फाउंडेशन अप्लाई करती नहीं हूँ, नेचुरली रखती हूँ अपना मेकअप है। यू गाइस कैन सी दिस, ये मेकअप आपको काफ़ी ड्यूई लग रहा होगा। एंड मैंने कोई हाईलाइटर अप्लाई नहीं कराया, पहली बात मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट मैंने थोड़ा सा ब्राउन्जर अप्लाई करा है, इसके अलावा मैंने अपने फेस पर ना ही कोई ब्लश अप्लाई करा है और ना ही कोई हाईलाइटर अप्लाई करा है। सो आप यहाँ पर ग्लो देख सकते हो, दैट मीन्स ये काफ़ी अच्छा ड्यूई फिनिश फाउंडेशन है जो कि ऑयली स्किन वालों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, काफ़ी अच्छा ड्यूई फिनिश देता है अगर आप अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो। इवन मेरी ड्राई स्किन है उसके बाद भी आप मेरे ऊपर ड्यूई फिनिश देख सकते हो। सारे ही स्किन टाइप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है ये। आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन भी है तो आप अच्छा खासा स्किन केयर करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा ड्यूई फिनिश देता है। एंड मुझे ओवरऑल ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। MyGlam से मैंने जितने भी फाउंडेशन शेयर करे उसमें से मुझे ये वाला फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगा है। इवन तो मेरा जो शेड है ना वो उतना परफेक्ट नहीं आया है बट मैं काम चला लूँगी, कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर से मिक्स एंड मैच करके इसको ख़त्म कर दूँगी। मेरे स्किन टोन जैसे हो आप तो आपको ये दोनों शेड परफेक्ट नहीं लगेंगे, थोड़ा सा आपको डार्क शेड लेना होगा इस। सो गाइस दैट्स ऑल। इस वाले फाउंडेशन का टेक्सचर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, मेरी ड्राई स्किन है उसके बाद भी मुझे इसका टेक्सचर काफ़ी पसंद आया है। एंड जो ट्रिक है इसको लेने की तो मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ, आपको कोई भी फाउंडेशन लेना हो या फिर कोई भी कंसीलर जिसका शेड आपको लगता है डर लगता है लेने के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फेवरेट फाउंडेशन है उसमें आप एक लाइटर शेड ले सकते हैं एंड एक डार्कर शेड, सो आपके घर में जितने भी लोग हैं उनके स्किन टोन से मैच कर जाएगा। जैसे कि अगर आपने एक लाइटर शेड लिया एंड एक डार्कर शेड तो आप अपने हिसाब से उसमें लाइटर फाउंडेशन में डार्क फाउंडेशन की क्वांटिटी को मिक्स कर सकते हैं, शेड बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो ये काफी अच्छी ट्रिक है। अगर आपके यहाँ ज्यादा लोग हैं फाउंडेशन यूज करने के लिए तो आप इस तरीके की ट्रिक का यूज कर सकते हो, किसी भी फाउंडेशन को यूज करने के लिए या किसी भी कंसीलर को यूज करने के लिए एक आप डार्कर शेड ले लो एंड एक लाइटर शेड ले लो एंड दोनों को स्किन शेड के अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हो आप, तो आपका एक परफेक्ट शेड बन जाता है। सो ये ट्रिक मैं काफी बार फॉलो करती हूँ, कंसीलर्स में मैंने करी भी हुई है। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे आने वाले वीडियोस। सो गाइस दैट्स ऑल, इस वाले फाउंडेशन के लिए मेरा यही रिव्यू था। ओवरऑल ये फाउंडेशन मुझे काफी पसंद आया है एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप लेना चाहते हो ये फाउंडेशन तो बिल्कुल ले सकते हो, काफी अच्छा है एंड आपको एक लग्जूरियस फील भी देगा, प्राइस भी अफोर्डेबल है एंड क्वालिटी भी काफी अमेजिंग है। मैट फाउंडेशन अगर आपको पसंद है तो ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इवन आपकी ड्राई स्किन भी है ना तो भी आपको ये फाउंडेशन पसंद आएगा, जस्ट आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना होगा उसके बाद आपको स्मूथ टेक्सचर मिलेगा। अगर आप MyGlam से कोई भी फाउंडेशन लेना चाहते हो तो ये मनीष मल्होत्रा वाला ले सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपको जरा भी पसंद आया हो एंड अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं इसी तरीके के रिव्यूज ला दे रही हूं अपने चैनल। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।